पहाड़ों के किनारे रेलवे ट्रैक पर मैंने एक दरवाजे को क्यों खड़ा कर रखा है, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो हे गाइस, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं योर स्मार्ट मेकर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि टोटल ऐसी 10 क्रेजी वीडियोग्राफी करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो। एंड ये सारा का सारा शूट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन से ही किया है, जो कि एक नॉर्मल फोन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने एक अंडर वाटर वीडियो बनाई है, जहाँ पर मैंने पूरा का पूरा फोन ही पानी के अंदर डाल रखा है, एक फेक ड्रोन शॉट लिया है एंड कुछ तगड़े VFX भी किए हैं, जिसके साथ मैं आप लोग को एडिटिंग ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ। तो यार, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार नीचे लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दो। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक अंडर वाटर ट्रांजिशन किया है, जबकि मैंने पिछले अपनी मॉनसून वाली वीडियो में ऑलरेडी ऐसा वीडियो किया हुआ था, बट वहाँ पर मैंने ट्रांजिशन नहीं किया था, वो एक नॉर्मल वीडियो था। एंड यहाँ पर हम लोग अंडर वाटर के साथ साथ एक ट्रांजिशन भी करेंगे, जो कि वीडियो का रिजल्ट काफी माइंड ब्लोइंग होने वाला है। किस तरीके से मैंने इसको शूट किया वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक वाटरप्रूफ फोन पाउच को लेकर के उसके अंदर मैंने अपने फोन को डाल दिया, ताकि हमारा फोन गीला बिल्कुल भी ना हो। एंड आ जाते हैं सीधा हम लोग अपने पहले स्पॉट पर। एंड यहाँ पर मुझे एक जगह काफी ज्यादा पानी भरा हुआ दिखता है, तो यहाँ से मैं अपने फोन को इजिली ब्लॉक करके एक प्रॉपर ट्रांजिशन बना सकता हूँ। तो सिंपली ये वीडियो को मैं मोबाइल को उल्टा करके रिकॉर्ड करूंगा, ताकि पानी के अंदर मॉडल का रिफ्लेक्शन भी आए, जो कि काफी कूल लगेगा। यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं एंड आगे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, उसके बाद पानी के अंदर मोबाइल को डाल करके आधा वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देना है। पहला शॉट यहाँ पे कम्प्लीट हुआ, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे स्पॉट पर। एंड दूसरा स्पॉट भी मैंने पास में ढूंढ लिया, जहाँ पर थोड़ा बहुत छोटा सा झरना गिर रहा था, जो कि हमारे वीडियो में काफी कूल इफेक्ट देगा। एंड ट्राई करना आप लोग ये वीडियो को वाइड एंगल में शूट करो, तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट लगेगा। तो सेकंड शॉट के लिए भी हमें अपने फोन को उल्टा करना है, वो पानी के अंदर डालना है, वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करना है एंड ऊपर की तरफ ला करके कुछ इस तरीके से हमें सेकंड शॉट को भी कम्प्लीट कर लेना है। अब ये दोनों शॉट लेने के बाद सिंपली आप लोग को ये दोनों वीडियोस को मर्ज कर लेना है। एंड अगर आप लोग को मर्ज करने नहीं आता तो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो देखते हैं किस तरीके से हमारा वीडियो बनता है। So, बढ़ते हैं अगले नंबर पे। एंड यहाँ पर मैंने नेचर का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो निकाली है, जिसका रिजल्ट काफी ऑसम होने वाला है। उसी के साथ साथ आप लोगों को कैमरे की एक ट्रिक भी पता चलने वाली है। तो कैसे शूट करना है, सबसे पहले तो मैंने एक रॉड को लेकर के उसके ऊपर मैंने मोबाइल माउंट को कुछ इस तरीके से चिपका दिया। आप लोग इसके बिना भी एक ठीक ठाक वीडियो बना सकते हो, बट मुझे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का बनाना था, इसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें करा। एंड सीधा आ जाते हैं हम लोग अपने कैमरे की सेटिंग पर। तो ये वीडियो को आप लोग स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ट्रिक यहां पर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला था, सिंपली अपने हाथ को आपको मोबाइल के कैमरे के सामने लाकर के रखना है एंड फोकस को टैप करते हुए रखना है। उसके बाद जो आपके मोबाइल के कैमरे का फोकस है वो ऑटोमेटिकली सबसे नजदीक का फोकस करने लगेगा। तो यहां से आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करना है। शुरू करने के बाद आगे की तरफ मूव करते हुए ये वीडियो को आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेना है। और वीडियो आप लोग की और भी अच्छी बनेगी अगर आप लोग ये वीडियो शाम में रिकॉर्ड करते हो। और ये वीडियो में मैंने एक बटरफ्लाई को भी कैप्चर किया है, जो कि वीडियो और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से बना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ओके, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। एंड ये वीडियो मेरा फेवरेट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हमने काफी मेहनत करी इसको शूट करने में, मतलब काफी ज्यादा। यहाँ पर हम लोग ने पहले एक फ्रेम को लिया, फिर एक दरवाजे को लिया, उसमें फिटिंग कराया, फिर वो दरवाजे एंड फ्रेम को दोनों को पहाड़ के ऊपर चढ़ा करके उसके ऊपर हम लोग ने पूरा शूट किया है। काफी मजेदार इसका बिहाइंड द सीन बना है, जिसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक शॉर्ट्स व्लॉग अपलोड किया अपने शॉर्ट्स चैनल पर। तो अगर आप लोग को शॉर्ट्स वीडियोस में इंटरेस्ट है तो वहां पर जाकर के आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट करना। एंड वो चैनल पर हमारे 4 मिलियन होने वाले हैं, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया
यार जाकर के सब्सक्राइब कर दो, होपफुली बहुत जल्दी 4 मिलियन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर आते हैं कि ये वीडियो को मैंने पूरा का पूरा कैसे शूट किया। तो इसे शूट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक दरवाजा लिया विथ फ्रेम के साथ में, उसके बाद वो ग्रीन पर्दे को पूरा का पूरा मैंने वो दरवाजे के फ्रेम पे कुछ इस तरीके से खील की मदद से ठोक दिया। उसके बाद उसको हम लोग ने एक ऐसी लोकेशन पर खड़ा किया जो कि काफी ऑसम लग रहा था, मतलब पहाड़ का किनारा था एंड वहां से एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा था, उसके ऊपर हम लोग ने वो दरवाजे को खड़ा किया। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक रेलवे ट्रैक टॉय ट्रेन का था, मतलब कि यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रेन नहीं चलती है और जो भी टॉय ट्रेन चलती है वो 6 महीने के लिए बंद थी, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेन वगैरह नहीं चल रही थी, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर शूट किया। तो सिंपली पहले लोकेशन पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ, शुरू करने के बाद आगे की तरफ मैं मूव होऊंगा, उसके बाद जो मॉडल रहेगा वो फ्रेम के अंदर आ जाएगा एंड दरवाजे को खोलते हुए कुछ इस तरीके से हमें ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद और कुछ भी नहीं करना, पहला शॉट यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे लोकेशन पर। एंड दूसरे लोकेशन के लिए हम लोग बार बार दरवाजे को यहाँ से वहां नहीं ले जा सकते थे, तो जिसकी वजह से मैंने क्या किया, एक साइकिल के टायर को लिया, वो टायर के ऊपर मैंने ग्रीन पर्दे को कुछ इस तरीके से राउंड में चिपका दिया फेविक्विक की मदद से। अब चिपकाने के बाद मैं सीधा लोकेशन पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली वो टायर को एक जगह ले जाकर के रख दूंगा जहाँ पीछे दीवार पर एक पेंटिंग बनी हुई थी जो कि काफी ऑसम लग रही थी, तो वहां पर मैंने वो टायर को रख दिया। उसके बाद सेम यहाँ पर भी मैंने वैसे ही वीडियो बनाया, थोड़ा दूर जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ एंड आगे की तरफ मूव होता रहूंगा, उसके बाद जो मॉडल रहेगा वो अचानक से फ्रेम के अंदर आ जाएगा एंड आगे आगे जाते हुए वो ग्रीन पर्दे तक एकदम एंड तक हमें जाना है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पर स्टॉप कर देना है। उसके बाद आते हैं थर्ड लोकेशन पर एंड थर्ड लोकेशन पर भी मैंने वो टायर का यूज किया ग्रीन स्क्रीन चिपकाते हुए। उसको क्या किया, मॉडल ने हाथ में लेकर के एक जगह जाकर के खड़ा हो गया, तो पीछे से हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद आगे की तरफ धीरे धीरे मैं मूव होता रहूंगा एंड सेम पहले की तरह एकदम एंड तक जाकर के मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगा। अब ये सारी वीडियो शूट करने के बाद सिंपली हमें ये वीडियो को एडिट करना है वंडरशेयर फिल्मोरा एप्लीकेशन के अंदर जो कि हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल किया गया है। अगर आप लोग के पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप लोग के पास पीसी या लैपटॉप दोनों नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सेम एडिटिंग हम लोग अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं फिल्मोरा गो एप्लीकेशन के अंदर। फिलहाल के लिए हम लोग लैपटॉप में एडिट करेंगे, यहाँ से मैं वंडरशेयर फिल्मोरा 11 को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों वीडियो को एक साथ रखा है, पहले थर्ड वाली वीडियो को लाएंगे, फिर सेकंड वाली वीडियो को लाएंगे, उसके बाद फर्स्ट वाली वीडियो को लाएंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप है, जब दरवाजा खोलेगा मॉडल वहां पर हमें सेकंड वाली वीडियो को लाकर छोड़ना है, थर्ड वाली को भी लाकर छोड़ना है। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, टैप करेंगे, क्रोमा की पे जाएंगे, कलर पिकर को लेकर के यहाँ पर सेट कर लेना है, वीडियो एडिट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे मूव करना है, सेकंड पे टैप करना है, क्रोमा की, कलर पिकर एंड डन, वीडियो आप लोग का एडिट हो गया। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी स्टेप था, यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे कि मोबाइल में कैसे एडिट करना है। मोबाइल में एडिटिंग के लिए आप लोग को फिल्मोरा गो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सारा का सारा सिस्टम एकदम सेम है, आप लोग को सिंपली एक एक करके तीनों लेयर को यहाँ पर लगा देना है PIP फंक्शन का यूज करते हुए। उसके बाद क्रोमा की का यूज करके पहली लेयर का ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देना है, देन दूसरी लेयर का भी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देना है क्रोमा की का यूज करते हुए। बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, आप लोग की वीडियो एडिट हो जाएगी। अब ये सारी चीजें करने के बाद वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से बनता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ओके, सो बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ एंड यहाँ पर भी मैंने आप लोग के लिए एक ट्रांजिशन किया है, लेकिन ये ट्रांजिशन मैंने काफी यूनिक तरीके से किया है जो कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले तो मैंने एक रॉड को लेकर के उसके ऊपर मैंने मोबाइल माउंट को कुछ इस तरीके से चिपका दिया। उसके बाद जो पहला लोकेशन मैंने ढूंढा वहां पर क्या था कि नीचे थोड़ी बहुत घास उग रखी थी, तो घास में ले जा करके मैंने अपने मोबाइल को रख दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ, शुरू करने के बाद मैं पीछे की तरफ आऊंगा, मॉडल जो रहेगा वो आगे की तरफ जाएगा, उसके बाद मोबाइल को 180 डिग्री में रोटेट करके
करके नीचे की तरफ ला करके वीडियो को एंड कर देना है। उसके बाद आ जाता हूँ सेकंड लोकेशन पर, जो कि पर्सनली मुझे काफी अमेजिंग लोकेशन लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सा ग्राउंड था और उसमें सिर्फ एक सिंगल सा पेड़ था। तो यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करूंगा। शुरू करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ मैं मोबाइल को मूव करूंगा एंड बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करते हुए हमें ये दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब ये दोनों वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली आप लोग को दोनों वीडियो को मर्ज कर लेना है एंड रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वीडियोस को मर्ज कैसे किया जाता है। तो मेनली यहाँ पर दो वीडियोस होती हैं। तो पहली वीडियो को हमें वहाँ पर स्प्लिट कर देना होता है जहाँ से वो ब्लैक हो चुकी होती हैं या फिर ब्लर हो चुकी होती हैं। स्प्लिट करने के बाद दूसरी वीडियो को वहाँ से स्प्लिट करना होता है जहाँ से वो ब्लैक पार्ट खत्म होने वाला होता है। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना होता है, वीडियो आप लोगों की प्रॉपरली मर्ज हो जाती है। एंड यही सेम टेक्निक का यूज करते हुए मैंने एक और सिमिलर ट्रांजिशन बनाया है जिसका रिजल्ट काफी अमेजिंग है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, सो बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ एंड यहाँ पर भी मैंने आप लोग के लिए एक अंडर वाटर वीडियो बनाई है। एंड मैं सच बताऊँ ये वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए शूट नहीं करी थी, पहले मैंने इसको रील्स के लिए शूट किया था, लेकिन जब मैंने उसको रील्स पर अपलोड किया तो वहाँ पर 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो को पसंद किया और उसी के साथ साथ उस पर काफी सारे कॉमेंट भी आ रहे थे कि इसको थोड़ा बहुत और डिटेल्स में आकर के समझाओ। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब के लिए भी ये सेम वीडियो आप लोग के लिए बनाई जाए। तो इसको मैंने कैसे शूट किया, तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने एक वाटरप्रूफ फोन पाउच को ले लिया ताकि हमारा फोन बिल्कुल भी खराब ना हो। उसके बाद वहां पर मुझे एक बहुत ही बेस्ट लोकेशन मिल जाती है जहां पर क्या था कि एक जगह से पानी बह रहा था एंड उसके ठीक ऑपोजिट साइड में एक पूरा का पूरा पहाड़ वाला फ्रेम आ रहा था हमारे मोबाइल के अंदर, जो कि बहुत ही बेस्ट लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो झरना यहाँ पर बह रहा है उसी के साथ साथ अगर मैं अपने मोबाइल को भी पीछे लाता हूँ एंड वहां पर एक माउंटेन का फ्रेम भी आ जाता है तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। तो फिर क्या था, यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ। शुरू करने के बाद जैसे जैसे पानी फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में मैं अपने मोबाइल को मूव करता हूँ। उसके बाद पानी के अंदर डाल के मोबाइल को 180 डिग्री में रोटेट करके मोबाइल को ऊपर की तरफ निकाल करके कुछ इस तरीके से मैं ये वीडियो को बना लेता हूँ। अब ये सारा शूट करने के बाद वीडियो का रिजल्ट कितना जबरदस्त निकल के आता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, सो बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ एंड यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक सैड वीडियोग्राफी करी है, जो कि स्पेशली अगर आप लोग मॉनसून में शूट करते हो तो आप लोग की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो किस तरीके से शूट करना है, सबसे पहले तो मुझे एक ऐसी लोकेशन मिली जहाँ पर पानी बहता हुआ मिल गया मुझे, तो इसे शूट कैसे करना है, सबसे पहले तो वही हमें अपने फोन को उल्टा कर देना है, सिंपली ले जाकर के एकदम पानी से थोड़ा सा ऊपर रखना है। उसके बाद जो मॉडल था वो आगे की तरफ मूव करेगा एंड हमें भी आगे की तरफ अपने मोबाइल को मूव करते रहना है। एक चीज का ध्यान रखना, जो दोनों की मूवमेंट है वो साथ में रखनी। अब यहाँ पर पंगा क्या हो रहा है, जो बिहाइंड द सीन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस समय बारिश नहीं हो रही थी एंड जब मैंने फाइनल रिजल्ट लिया, फाइनल रिजल्ट मैंने पहले ही ले रखा था, तो उस समय बारिश काफी अच्छे से हो रही थी। तो ये वीडियो में मजा तब भी ज्यादा आएगा जब बारिश काफी तेज हो रही होगी। जो फाइनल रिजल्ट बना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ओके सो बढ़ते हैं अगले नंबर पे। एंड यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही क्रेजी वीडियोग्राफी करी है। एंड मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है आप लोग के फ़ोन के लिए। ऐसा सेम वीडियो मैंने एक मूवी में देखा था, जहाँ पर पानी के अंदर से बाहर का फुटेज लिया गया था। एक मॉडल एक्ट्रेस होती है, उनका काफ़ी अमेजिंग लग रहा था, तो वही चीज़ मैंने ट्राई किया अपने फ़ोन से। तो देखो यार, इसको शूट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक वाटरप्रूफ फ़ोन पाउच लेकर के उसके अंदर मैंने अपने फ़ोन को डाल दिया। एंड क्योंकि फ़ोन काफ़ी महंगा था एंड पूरा का पूरा हमें पानी के अंदर डालना था फ़ोन को, तो काफ़ी रिस्की लग रहा था। तो उसके वजह से मैंने जहाँ से पानी जाने का चांस हो वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा टेप मार दिया। एंड ये पूरा सील करने के बाद अब थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आसमान में टैप करते हुए मैंने फोकस को लॉक कर दिया। देन यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को पानी के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद नॉर्मली कुछ इस तरीके से खड़े होते हुए मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। और क्योंकि उस समय पानी बह रहा था, तो बहता हुआ पानी हमारी वीडियो में एक और भी अमेजिंग इफेक्ट दिखेगा। तो ये सारा शूट करने के बाद वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से निकल के आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivée. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. ओके सो बढ़ते अब हम लोग अपने आखिरी नंबर पर। एंड यहाँ पर हम लोग एक फेक ड्रोन शॉट लेने वाले हैं, जो कि वीडियो का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आने वाला है किस तरीके से इसको मैंने शूट किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने वही रॉड को ले लिया, उसके ऊपर मैंने मोबाइल माउंट को लगा दिया एंड वहां पर मैंने अपने मोबाइल को लगा दिया। एंड इसे शूट करने के लिए मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन ढूंढी, बट मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसा शूट ऐसी लोकेशन पे करो, क्योंकि ये काफी डेंजर हो सकता है। हम लोग ने काफी प्रिकॉशन लेकर के ये वाला शूट किया हुआ था। तो कैसे शूट किया, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करके मोबाइल को एकदम नीचे ले जा करके रख दिया। उसके बाद सिंपली ऊपर की तरफ लाते हुए मॉडल के कंधे के पास से एंड ऊपर ऊपर जाते हुए मैंने ये वीडियो को बिल्कुल इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। एंड जब भी आप लोग ऐसा फेक ड्रोन शॉट ले रहे हो अपने मोबाइल फोन से कोई और लोकेशन पे, तो ट्राई करना ऐसे मॉडल के कंधे के पास से ही अपने मोबाइल को ले जाओ, जो कि काफी अच्छा फ्रेम लगता है हमारे वीडियो में। तो ये सारा शूट करने के बाद वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये थे आज के मेरे कुछ खास मोबाइल वीडियोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई नो इस बार मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लास्ट वीडियो मैंने 2 महीना पहले अपलोड किया था, क्योंकि वीडियो को शूट करने में एंड एक प्रॉपर फाइनल रिजल्ट निकालने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एंड काफी फेलियर्स के बाद जाकर के एक प्रॉपर रिजल्ट आता है, तो ये सारी चीजों में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। वेल इन्हीं बीच शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव था, चाहे वो रील्स हो जाए चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो जाए। सो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डेली देखना हो, ये कॉन्टेंट आप लोगों को रेगुलर पसंद है, तो आप लोग मुझे शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आप लोगों को एडिटिंग में शौक है तो एक बार वंडरशेयर फिल्मोरा को जाकर के जरूर से चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल दोनों के लिए काफी कंफर्टेबल है। सो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।